फ्रेंड्स वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड फाइनली हमारा सफ़ेदी का काम भी ख़त्म हो गया और लकड़ी का जो लगा था काम वो भी ख़त्म हो गया। अब एक दो दिन तो हमें वो ही सफाई में ही रह गए अभी भी, पर सफाई पूरी तरह से हो नहीं पाई है। अभी तो थोड़ी सफाई करी है अभी तो हमने, अब धीरे धीरे होती रहेगी क्योंकि जैसी सेटिंग हमें चाहिए थी, कबर्ड्स जहाँ जहाँ चाहिए थी वो तो हमने बनवा ली, जैसा पार्टीशन बोला था वो वैसा हो गया। बस उस दिन वो पाइप फट गई थी ड्रिल होते हुए, पर वो अब रिपेयर होने के बाद अब सब ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि अब फाइनल लुक कैसी आई है, क्योंकि हमने सामान भी कुछ काफ़ी हद तक सेट भी कर दिया है उसमें। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने भिंडी धो दी थी, अब मम्मी बस भिंडी काट रही क्योंकि नाश्ते में बननी है भिंडी हमारे, तो अभी कट करके रख देंगे ताकि सुबह उतना काम हमारा और फास्ट हो जाए। यहाँ पे बहन लगी हुई है दाल बनाने में, तो ये बना रही है धुली उड़द की दाल। वहाँ काली दाल को भी इसने तड़का लगा दिया और यहाँ इसने चावल भी साथ में रख दिए हैं। कुछ कहना चाहेंगी मैम? क्या हेलो? नहीं बस खाना बना के फ्री हो गई मैं। ओके तो ये देखिए फाइनल लुक ये रही हमारी कबर्ड की। अब मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब ऊपर से सारा सामान अंदर चला भी गया, कुछ रह गया अभी नीचे। और एक बार मैं नीचे का पार्टीशन भी आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पार्टीशन, और देखो पार्टीशन भी अच्छा ही है। मतलब हमने रिमूवल वाला हटाने वाला लगवाया है कि अगर नहीं चाहिए वो पार्टीशन तो हम ये हटा भी सकें। तो अब ये काफ़ी अच्छा ही लग रही है, नीचे भी सामान सही से आ गया है हमारा, और ऊपर की तो अच्छी लग ही रही है। आप भी कमेंट करके बताना कैसी लग रही है फाइनल लुक हमारे किचन की, मतलब काफ़ी तो चेंज हो गया। तो जी यहाँ पे हम जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं घूमने ये आपको आगे ही व्लॉग में पता चलेगा, तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो फ्रेंड्स ये है मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे, और इसके साइड में जो खेत थे ना, इतनी प्यारी सीनरियाँ आ रही थी उस खेतों की। जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे बस आपको गेहूं और गन्ने दिखाई देंगे, कहीं कहीं पे फूलों के से भरे हुए खेत भी थे गेंदे के फूलों, बहुत ही प्यारे व्यू आ रहे थे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी बहन की, क्योंकि उसे कुछ काम था तो बस वहीं आए हुए हैं। अब हम वेट कर रहे हैं गाड़ी में और वो जा चुकी है अंदर कॉलेज के, देखते हैं क्या काम है उसे। आएगी तो मैं आपको बताऊंगी क्या काम था उसका, जब भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो जी हम यहाँ पहुँच गए थे और अभी हम यहीं बैठे हैं दोनों माँ बेटी गाड़ी में,
और वो दो लोग गए हैं अंदर काम के लिए, अभी ये वापस नहीं आए हैं। अभी आएंगे जब ही पता चलेगा कि उनका काम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम यहीं बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा बाहर जाके घूमेंगे, फिर जब वो आ जाएंगे तब जाके बाहर घूमेंगे थोड़ा। आ गए हैं ये लोग भी और चल दिए हैं, फिर हम दूसरे ऑफिस इनके वहाँ जाके पता करते हैं वहाँ पे काम होगा कि नहीं। अभी जा ही रहे हैं वापस फिर से। फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा काम करवा के आई, अभी हमें वेटिंग में डाल दिया गया तो हम फिर से बाहर वेट कर रहे हैं। आज इतना वेट कर रहे हैं और यहाँ टाइम होने को आ गए 4 बजने को, और सारा इसकी वजह से हमें वेट कर रहे हैं, इसकी वजह से। ये जो दिखाई दे रही है ना, ये मेरी वजह से नहीं, मैं भी गई थी एक दिन काम कराने पर मेरा तो छट छट काम हो गया, इसके में बहुत दौड़ रहे हैं हम। तुम्हारा तो जी फ्रेंड, अब हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ, और घर जाके हम बताएंगे कि हम यहाँ बहन की यूनिवर्सिटी करने के आए थे, क्या काम था वो घर जाके मैं आपको बताऊंगी। और प्लान था कि हमारा प्लान था कि हम घूमेंगे यहाँ पर, वही था यहीं, इसने पूरा टाइम कर दिया। अब 4:30 हो रहे हैं, अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं, देखते कितना टाइम लगता है हमें घर पहुँच के। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा घर पर ही। तो फ्रेंड्स हम गए थे मेरठ बहन की यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसे मिलनी थी ग्रेजुएशन की डिग्री, तो इसे वो वहीं मिलनी थी। इसके कॉलेज का मतलब मेन जो हेडक्वार्टर है वो मेरठ में है, तो बस अब इसकी डिग्री मिल चुकी है इसको ग्रेजुएशन की। और वापसी में ना हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि फिर आगे का मैंने कुछ शूट नहीं करा, तो इस व्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।